अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 14 जुलाई 2023 और जुमे का दिन है जी। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो अक्सर हम जाते रहते हैं, लेकिन सोचा आज जड़ा ना था ना गड्डी जी बह के मुलाकात करते तो घर वापस आएंगे जुमे की नमाज से पहले। फिर बाकी मामला जो है वो भी दिन के, वो आपसे शेयर करेंगे। आज कुछ एक दो भी लोग भी आपसे शेयर करेंगे बर्फ के हवाले से, ठीक है ना। और क्या, ओमान की खबरों में कुछ नहीं है, बस कुछ इलाकों में बारिशों की पेशगोई है, कुछ इलाकों में जारी है। कल भी आपसे शेयर किया था कि बदल शदल हुए ने और किन मिन जो है वो उसके चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल तो आपके सामने ही है। दुआ करें बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए, थोड़ा गर्मी का जोर टूटे। आधी गर्मी गुजर गई है, अगस्त एंड तक जो है सितंबर, सितंबर में मौसम थोड़ा बदल जाता है, काफी बदल जाता है, बल्कि अक्टूबर नवंबर में तो फिर आपको पता है कि ठंड जड़ी उतर आती है। ठीक है जी, और क्या है, ओमान की खबरों में कोई बड़ी खबर नहीं है फिलहाल। जो होती हैं वो टाइमली शेयर कर दी जाती हैं, जैसे कोई अपडेट हुई वो शेयर करेंगे। तो आपने जो है वक्त पे जुमा की नमाज अदा करनी है और सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। जो मगरब के इस्लामी डेट जो है वो मगरब के बाद चेंज होती है, तो मगरब से पहले पहले आपने हर हाल में सूरत कहफ का विर्द करना है। ये आपको फितने फसाद से बचाएगी, ठीक है ना। और हमेशा दुआ करें, बल्कि काफ़ी अरसा हो गया मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की, दुआओं में हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत की ज़िंदगी अता फरमाए, सबको कामयाब करे, खुशहाली अता फरमाए, अच्छी सेहत दे, और हर तरह के फितने फसाद से, शर से बचाए रखे। ये दुआ ज़रूर मांगा करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।